हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो पे, पहाड़ की खूबसूरत खूबसूरत सी वादियों से। तो भाई अभी हो रखा है सुबह सुबह का वक्त और भाई साहब क्या मौसम हो रखा है मम्मी। गुड मॉर्निंग। देखो घर में भी सब मम्मी लोग तो पहले ही उठ जाते हैं भाई। मैं ही हूँ जो आज तक लेट उठता था, लेकिन आज मैं ना पहली बार सूर्योदय से पहले उठा हूँ। वो देखो सूर्य भगवान अब वहाँ से उगने लग गए हैं। कभी ना इधर उधर हो जाते हैं, मतलब सीजन के हिसाब से कभी कहीं से कभी कहीं से, थोड़ा इधर उधर से, वरना सूर्योदय होता है। अभी गांव एकदम शांत शांत सा है, क्योंकि कोई भी ना अभी बहुत कम लोग उठे होंगे। जैसे मम्मी लोग हैं तो वही लोग उठे होंगे। क्या बढ़िया वाइब्स है यार। देखो नीचे शायद नदी है, तो नदी की साइड से देखो कितनी बढ़िया तरीके से वहाँ देखो धुंध निकल रही है एकदम। चलो भाई वाह। अभी ना सुबह सुबह का ही मौसम है तो ठंडा भी हो रहा है, तो कपड़े पहनते हैं और निकलते हैं यहाँ से रनिंग को। इस तरफ को जाएंगे आज। वाह सूर्य भगवान, जय हो सूर्य भगवान की। देखो सूर्य भगवान के दर्शन हो चुके हैं हमें दोस्तों। तो भाई अभी मस्त करके मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। हेल्थ इज ऑलवेज वेल्थ का है ना मतलब, तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है कहा जाए तो, इसलिए हम लोग थोड़ा स्वास्थ्य पे भी ध्यान देते हैं आपसे। और जाते हैं अभी यहाँ से हल्का फुल्का रनिंग के लिए। हालांकि घास हो रखी है, लेकिन कहीं कहीं पे घास कटी हुई भी है। जैसे यहाँ पे ना घास कटी है, वरना तो भाई आधा तो मैं भीग के जाने वाला हूँ वहाँ तक। तो काफ़ी टाइम से यार मैं अपना रूटीन फॉलो कर नहीं पा रहा था, तो फाइनली अभी निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। अभी जो एक घास है, तो ये घास ना मेरे को पूरी भिगा रही है भाई। ये घास मेरे को पूरी भिगा रही है। यहाँ पर काट तो रखी है, लेकिन जहाँ पर काटनी थी रास्ते पे वहाँ किसी ने नहीं काटी है। और अभी मैं पहुँचा हूँ सिरान पे। सिरान इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ना देखोगे तो दुनिया भर की फसलें हुई होंगी हर किसी की। जैसे किसी का ये मंडवा देखो, किसी का मंडवा हो रखा है, सीमी वगैरह हो रखी है, और यानी कि बीन्स और भट्ट हरी मिर्च बहुत कुछ हो ही रहता है यहाँ पे। बाप रे, यहाँ तो मतलब आधा तो मैं वैसे ही भीग गया हूँ यार। ये कब कटेगी घास, और कब बढ़िया से रास्ता बन जाएगा दोबारा से अच्छा, और कब बिना भीगे रनिंग पे पहुँच पाऊँगा। जूते तो वैसे ही आधे गीले हो चुके हैं। अभी ये है कैल बकरिया मंदिर। ये पेड़ ना मैंने जब से पैदा हो रखा हूँ तब से ऐसा का ऐसा ही देखा है। इतना बड़ा पेड़ है, मतलब अगर इसकी जड़ देखोगे तो इससे भी मोटी है, जो बीच में दिख रहा है ना। तो भाई क्या मजे आ गए। वाह, मतलब एक्सरसाइज वगैरह अपनी हो चुकी है। और आज मैं ना जहाँ रनिंग करने के लिए गया था, तो वैसे तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, जो वो लास्ट दिख रहा है ना यहाँ पर तक जाता हूँ वैसे और ना, लेकिन आज मैं जा रखा हूँ यहाँ तक। ये रोड का जो लास्ट कोना है ना, यहाँ से होते हुए ऐसे करके यहाँ तक, और यहाँ पर मैंने की एक्सरसाइज और एक एंकर, और यहाँ पर मेरा छाप देखो क्या बढ़िया बना है ना। आप इन खूबसूरत सी वादियों को निहारी है यार। सुबह सुबह की वाइब से इतनी अच्छी क्यों होती होंगी दोस्तों। अब थोड़ी देर, अभी धूप भी नहीं आ रखी है, तो मेरे लिए बेनिफिट है कि जब तक धूप यहाँ तक नहीं पहुँचती है तो तभी तक तो मैं मस्त करके योगा कर लेता हूँ थोड़ा सा हल्का फुल्का जितना मुझे आता है। ज़्यादा मेरे को वैसे आता नहीं है योग वगैरह, लेकिन करता हूँ भाई, है ना। और मेरे को अभी ना कुछ दिखाया है वहाँ पे, मुझे नहीं पता है वो है क्या करके। अरे वाह, ये तो एक हिरन है। ओ तारू ब्रो, हेलो हेलो, आइए आपको कुछ दिखाते हैं। हिरन का बच्चा देखा है मैंने नीचे, वो देखो।
वहाँ पर कैमरे में दिखेगा आपको। हमारे दोस्त भी फिर से मिल गए हमें। हेलो हेलो, यहाँ एक एक करके जल्दी आओ। काजल और बसंत, ये बसंत है भाई, ये काजल है। हेलो, स्कूल जा रहे हो बच्चों? गा जाओ, हंस करे हो मेरे ओम कहने पे। मजा आया? मजा आया स्कूल? अभी सुबह का ही है, 9 बजे का स्कूल नहीं हुआ? कब से होने वाला है? 7 बजे होता है। 7 बजे का ही है? अच्छा, ये लोग देखो यार वहाँ से आ गए हैं। ये देखो वो जो टापू दिख रहा है ना, ये वाला, ये वहाँ से आए हो ना? फिर ओह गाइस, हेलो हेलो हेलो। तो भाई मैंने तो सोचा था कि बच्चों का स्कूल हो गया होगा आजकल 9 बजे का, लेकिन इनका भी 7 बजे का स्कूल है, इसलिए मेरे को मिल गए हैं। मैं सोच ही रहा था वरना घर की मतलब मेरे को मिलेंगे या नहीं करके। अरे कहीं ली गए हैं, ये देखो इसने तो दौड़ लगा रखी है। आराम से चलने का रे बिड़ू लोग, आराम से चलने का। हाँ कभी नहीं मिला था ना, आज मिल गया ना, खुश है। मेरा घर देखा है? घर देखा है किसने? हाँ अच्छा, घर दिखाया है? अच्छा दिखाया है हमरा। अच्छा चलो, 1 बजे छुट्टी होता है, 7 बजे का स्कूल है दोस्तों। और ये 7:45 में अभी तक यहीं है, कब पहुँचोगे स्कूल? जल्दी चलो जल्दी। जल्दी चलो फिर जल्दी, तुम देर कर रहे हो यार, फटाफट देखो जल्दी करो। ना ना बीच रोड में नहीं। हाँ बस इस तरफ अभी नहीं, अब मत आना। देखा गाड़ी, फिर इसी तरफ आओ, यहाँ उल्टा हाथ कौन सा है? हाँ ये वाला है ना, तो इसी तरफ चलते हैं ठीक है। हमेशा सुनो, अभी जैसे उल्टे हाथ से चल रहे हो ना, जब स्कूल से छुट्टी होगी जब वापस जाओगे ना, फिर उल्टा हाथ इस तरफ चले आता है ये, तो इस तरफ से चलना ठीक है। फिर अभी जो इधर पे वो देखो, वहाँ पे कोई चल रहे हैं ना ऊपर, वो यहाँ से हमरा घर की तरफ को जाते हैं ठीक है। अभी मैं तुम्हें हाँ हाँ अभी दिखाऊंगा, यहाँ से भी जाते हैं, जो ये रास्ता है ना ये, यहाँ से भी हमरा घर को जाते हैं। वो देखो वहाँ देखो, फिर वो वाला घर जो दिख रहा है ना, वो है हमरा घर। दिख लिया? फिर आप यहीं हैं फिर? हाँ ऐसे ना, अब इसको गुंडी बनाओ, बहुत बढ़िया। एक चीज़ तो बड़ी जल्दी सीख ली तुमने, हाँ वहाँ सिखाया था ना, इसको पकड़ो गुंडी बनाओ। देखो ये बनाएगी, देखो काजल ये अब उस तरफ से भी बनानी है ऐसे ही गुंडी। देखा? ये शाबाश, चलो बहुत बढ़िया, अब आराम से चलना। नहीं खुला है, आओ आओ। ये बच्चों को कह दिया बाय, अब यहाँ से हम निकलेंगे घर की तरफ को। तो भाई मज़ा आ गया यार, हाँ हाँ वाह। अब स्कूल के पास ना वो पहुँच ही गए हैं बच्चे लगभग, तो इसके बाद इनका थोड़ा सा आगे 2 बैंड के आगे स्कूल पा जाता है, वो अपने स्कूल को जाएंगे और मैं जाऊँगा अपने घर को। देखो उनका स्कूल ना, जो गाड़ी है ना ये देखो, ये गाड़ी से नीचे को इस तरफ को है, और बच्चे अभी इधर पे पहुंच गए हैं। देखो भाई सच में यार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इनकी लाइफ में, तो इनके साथ मैं हमेशा बना रहूँगा। ये बच्चे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को काफ़ी बार मिल गए हैं और अच्छे बच्चे हैं मतलब। तो अगर कोई अपने दूसरे देश से अपने देश आकर के पढ़ाई कर रहा है, सबसे बड़ी बात इनके जो मम्मी पापा हैं ना, वो मजदूरी वगैरह करते होंगे या कुछ करते होंगे, लेकिन इनके बच्चे पढ़ा रहे हैं एटलीस्ट, तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसों को ना फिर सपोर्ट भी करना चाहिए जितना अपने से हो पाता है। तो मेरे को तो अच्छे लगते हैं। अभी मैं कल रोज़ जब तक इनका सुबह का स्कूल है दौड़ने जाऊँगा, तो रोज़ इनके साथ आऊँगा, मज़ा आने वाला है। चलो भाई घर आते ही यहाँ पे आज हमारी मशीन फिट हो रही है पहली बार, वाओ। घास काटने वाली मशीन ना ये तो है, इसका यूज करो ना। अरे ये ठीक है, हाँ इसके साथ
तो भाई शौच का महीना स्टार्ट हो चुका है और अब जितनी भी घास है ना वो सब कट होने लग जाएगी, सब लोग अपने अपने काम व्यस्त हो जाएंगे। अब ये वाला जो जो महीना है ना, समझो कि बहुत ज़्यादा काम वाला महीना है। मम्मी लोगों को तो एकदम फुर्सत नहीं होगी, इतना ख़तरनाक महीना होता है। और आजकल बढ़िया है कि घास काटने वाली मशीनें आ गई हैं जब से, तो तब से ना बहुत थोड़ा सा काम हल्का हो गया है। लेकिन इसके लिए भी ना ताकत लगती है बहुत ज़्यादा ये मशीन को उठाने के लिए। तो पापा की अब हालत ख़राब होने वाली है कुछ दिनों, क्योंकि यही काटेंगे। कभी कभी मैं भी जाऊँगा, सीख लूँगा। तो अभी फ़िलहाल मशीन फिट हो रही है। अभी इतनी तेज़ ज़्यादा बहुत ही ख़तरनाक वाली धूप लगी है, ये देखो कितनी भयंकर धूप आ गई है ना। और आज के दिन में बहुत ज़्यादा काम है मेरे को, एडिटिंग करनी है और इधर उधर थोड़े बहुत काम है, तो शायद से मैं अब आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो बस इस वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो मिलते हैं आपको नई वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम।